हाँ भाई, आज रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कि मेरी आवाज मेरी लगे, किसी की आवाज को मेरी ना बना दो भाई। अच्छे से सुन लो भाई, मोटी आवाज पतली आवाज टेढ़ी। भाई मेरी आवाज ऐसी है। ये पतली आवाज है, मोटी आवाज ऐसी है भाई? मेरी आवाज थोड़ी ऐसी है, डीप आवाज ऐसी है। और क्यों, कोई आवाज सुनना है मेरा तो बता दो भाई, वो भी सुना दूंगा। पैर पैर ना करो फालतू के, क्या हो रहा है? मैंने ठीक है भैया, हाँ भैया मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं है। बताओ, भैया क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ा। पढ़ाई लिखाई कर रहे यार हैं खत्म हो गई पढ़ाई लिखाई, और कितनी पढ़ाई लिखाई करवाओगे? भाई, हम तो भाई सेटल्ड लोग हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। पटेल तो है ना भैया भैया बोलने वाले। असाइनमेंट कंप्लीट भाई करो। तुम ही हो भाई, भैया भैया बोल के सिर पे बिठाते हो, फिर तुम्हारे सिर पे ही मुत्ते। नहीं ये बात तो सही है, कुछ लोग मूत के गए हैं भाई, ये बात तो सच बात है। बट ठीक है, ये बात गलत है। देखो यार निशांत भाई, मेरा ये मानना है कि अपने तरफ से अच्छा बने रहो, बाकी जिसको जो करना है करो, ठीक है? भाई मेरे को इतनी बदनाम कर दिए भाई, कल की कल का लौंडा, तभी तो मैं आज स्पेस को भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई सुन ले तो पहले लोग तभी तो मैं इन लोग, मतलब मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ भाई इनकी बात है। ये कब ऐसे इंसान को गलत साबित कर देंगे, ऐसे सही बारी में, इंसान को भी गलत ऐसे साबित कर ऐसे देंगे बारी ये। में निशांत भाई, लोग ना हर एक स्पेस रिकॉर्ड करेंगे, और वो रिकॉर्ड तो करो साला करो नहीं यार, फेमस कर दो, करो और रिकॉर्ड करो। भाई। मैं तो पहले से ही फेमस हूँ, मेरे को क्या करेंगे फेमस? नहीं एमिवे का गाना याद आ गया क्या तुमको? मैं पहले से फेमस था, शाने तू क्या छोटे, मेरा सीन मेरा चेंज सीन चेंज करेगा? करेगा। सही बात है ना भाई, ये तो फैक्ट्स है ना भाई। मैम तो पहले से ही थोड़ा बहुत फेमस है, 50-60 लोग जानते हैं हमको, तो वो भी काफी अपने लिए। जानते तो है ना कम से कम, सही बात है, सही बिना बात है। हैशटैग लगा के भी 100 लाइक लेने का घमंड है भाई हक से। अबे यार मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम लोग गुस्सा, तुम लोग बहुत जल्दी गुस्सा होते हो यार। बताओ भाई, 2 बजे जा रहे हैं, वो लोग बाप का नाम लेके फेमस हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो? टीना यार यार टीना आ गई, मैं जा रहा हूं। क्यों भाई? यार मैं बोल रही हूँ, वो लोग आपका नाम लेके फेमस हो रहे हैं। भाई जो बंदा ट्वीट डाला ना, उससे ज्यादा रीस तो मेरे कमेंट की है भाई। बताओ, तो रेशियो कर दिया तुमने, तुम ये बोलना चाहते हो कि तुमने रेशियो अब कर मेरे दिया को उसको, रेशियो का है? मतलब नहीं पता भाई, सच्ची बता। अच्छा तो ट्विटर पे ऐसा होता है कि कोई ट्वीट डालेगा, उसके ऊपर लगे हैं 50 लाइक, और तुमने उसके नीचे एक कमेंट कर दिया डॉट करके भी कर दिया, और उसके ऊपर 80 लाइक आ गए, तो मतलब तुम रेशियो कर दिया उसको, तुम जीत गए। तो ऐसा बेज्जती किसकी है? सामने वाले की अरे जिसका ट्वीट था उसकी। भाई यार तुमको ट्विटर के छोटे मोटे ये लड़ाई या रूल्स नहीं पता यार भाई, तुमको। लड़ाई झगड़ा सिर्फ तुम लोग करो भाई, अपन भाई पीस लवर है पीस। कल बहुत गुस्सा आ गया था मेरे को परेशान, मैं सच बता रहा हूँ, कल मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। भाई तुम्हारे से ज्यादा गुस्सा मेरे को आया था कल। कल मेरी यार मेरे को नहीं, मतलब पता नहीं यार, इंसान को जब हर्ट होता है ना, एक साथ साला सब निकल जाता है बाहर। नहीं सही है भाई, बट वही मैं चीजों को ठीक कराने जा रहा हूँ, उल्टा मेरे को बदनाम कर रहे लोग। इसलिए ना हमेशा ना लोग कहते हैं कि ना किसी के लिए ना, यार तुम्हारा तो बनता है नहीं यार। पर ना निशान, इसलिए ना लोग बोलते भी हैं कि ना किसी के लिए इतना भी अच्छा मत करो कि कल के वही लोग तुम्हारे आके ऊपर मुते। तो वही बात हो गई, कल अच्छा करने के बाद भी ना भाई लोग मेरे को बोल रहे कि ये देखो बिठा कर रखा स्पेस में, तो तू सुन तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको। और लोग अरे खेल, मैं भाई लड़ रहा था उधर वो दो चार लोगों से जिन्होंने हाँ गालियां मेरे को तो बकी है, पता है फिर भाई। भी मेरे ट्वीट के नीचे लोग आके क्या बोलते पता है? तू तो वही है ना जो लड़की वाला, क्या वुमन वाला ट्रेंड करवा रहा था, आज गालियां दी तो तू उस चीज को सपोर्ट कर। मतलब तुम गधे हो क्या भाई थोड़े से? तुमने एक तो मेरी स्पेस नहीं सुनी, या फिर तुमने सही से भाई मेरा सुना नहीं मैं क्या बोल रहा था। भाई मैं भाई लड़ रहा हूँ उन लोग से जो गालियां बक रहे निशान, थे। एक कुछ लोग है ना उनका दिमाग है ना भाई पिछवाड़े पे है, और गू जो है ना दिमाग में है, और भाई एक स्विच हो गया बंदा है भाई। उनमें से भाई, इतना स्मार्ट बनता है भाई कि डोंट मेस विथ मी। भाई ब्लॉक कर रखा है तूने मेरे को, क्या डोंट मेस विथ मी, ब्लॉक टू मैं। भाई मतलब लफड़े करना तो ऐसा करो कि ब्लॉक लॉक भी ना करो। एलेक्सा गुड नाइट, लफड़ा फड़ा भी मत करो भाई, जब तुम वो नहीं कर सकते तो।
डोंट मेस विथ मी, आई एम वेरी डेंजर, ये मेरा इलाका है और इस इलाका का मैं हूँ। ये सब निभे है। हाँ, कल अरमान से भी मेरा मूड खराब हो गया, पता है तो निशान। डाला मत करो, मत करो भाई, मैं पिछले वाले अपने उसमें आ गया ना भाई, रोते घूमोगे, मजाक नहीं कर रहा भाई, मत मत करो करो। भाई, इन लोगों को जगाओ मां, जाग गए ना तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं ये वाले सीजन बहुत प्यार से रहा हूँ निशान भाई भाई सबके साथ, बोलता है बहुत हम पे अच्छा। शॉट लेके हो रहे फेमस, हम देंगे शॉट तो दुखेगा ही ना। मेरे मत कर लाला, मत कर। पंटा का मीम बहुत वायरल है, मत कर मत कर मत कर। उसको आंख बंद करके सुन कैसे लगेगा। अबे भाई। भाई लोगों को बुलाओ यार, जीसी इसी में डालो भाई लिंक विंक। मेरे को तो जीसी से भी निकाल दिए भाई लोग। एक तो जीसी में बस। तुम शायद अभिषा वालों में बैठे रहोगे नहीं ना, नहीं पांडा इसलिए। गैंग वाले पे था भाई, उसमें से भी निकाल। बोला ठीक है भाई, क्या बात कर रहे ठीक है भाई, मेरे को दिखता ही नहीं पांडा गैंग वाला जीसी भाई, नहीं पता कहाँ गया। आरुषि आई है, हो, कौन सा वाला, पांडा हाउस में थे तुम? पांडा हाउस बना था, 5-6 टोक जीसी बना था उसका, फिर पांडा फॉरेस्ट। हाँ, उसमें से आधों में से तो मेरे को भी निकाला गया है, कोई अरे बड़ी बात हेलो नहीं। हेलो ककेल भैया, हाँ फिर से बोल भैया, ढंग से बोल। अरे मैं भैया ढंग से बोलती हूँ, वो दूसरी हाँ, वाली है जो भाया बोलती है। हाँ वो प्रिया है, वो प्रिया है। मारता हूँ मैं फिर ऐसे लोगों को भाई। नहीं 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 मैं भैया बोलती हूँ। और भैया वो पांडा हाउस वाली जीसी के नाम उड़ गई है, मतलब वो उड़ गई भाई, है, उड़ के उड़ गई भाई, लोगों की देखो जीसी उड़ गई डिसॉल्व है कर भाई। दिया उसको, मतलब। हाँ उसको उड़ा दिया है उसके ओनर ने। ओ क्यों भाई, तो खौफ। अच्छा अरमान था ना उसका हाँ ओनर, अरमान ने वो तो खुद अभिषा वाला मेरे है को अब यार अरमान पे ना गुस्सा आने लगा है, पता है। वो अपना भाई, वो अभिषा वाला है, तुमको बात मैंने पहले ही अभिषा बताया था। और पांडा गैंग वाली है नहीं ना बात है, तू पहले कहाँ था अभी कहाँ है, तू क्या होते जा रहा भाई, मैं वो समझ नहीं आता। ठीक है तुम शिप कर रहे हो, करो भाई तुम्हारी मैंने मर्जी। मैंने दो चार लोगों को बहुत अच्छे से नोटिस करा है भाई, फुकरा फैंडम में बहुत अच्छे से नोटिस करा आप है। मेरे को नहीं बोल सकते, मेरे को नहीं जहां बोल पे सकते अभिषेक को निशान डिफेंड भैया। कर, अरे सुन तो ले, तेरा नाम लिया मैंने, हाँ मैंने बोला ते क्योंकि मैं आरुषि, गायब हूँ आजकल ट्विटर पे मैंने वैसे दो ही। चार लोगों की बात करी है, दो चार लोगों को मैंने नोटिस करा है। जब बात आती है अभिषेक को डिफेंड करने की, तब ये गायब हो जाते हैं, जैसे ही कुछ होता है तो ये आ जाते हैं, फिर ये अभिषा का हैशटैग लगा के ट्वीट करने लगते हैं, फिर बोलते हैं अरे हाँ मैं तो पांडा वाला हूँ, मैं तो कट्टर स्टैन बोल रहा, कट्टर फुकरा वाला हूँ। भाई नहीं भाई, आज ऐसा मैं नहीं हो। फोटो डाल दिया कि मूड है अपना कुछ ऐसा एक दिन प्यार सुनने का, उसमें लोग बोलते हैं अरे तेरे को पांडा गैंग से निकाल दिया, अभिषा वाले भी तेरे को अब गाली दे रहे हैं, मनीषा वाले दे रहे हैं, तो तू अब स्टैन वालों की। अबे चोमू, मैं मतलब किसी का भी गाना सुनू तो तुम लोग ये बोलोगे किसी चीज से भी रिलेट। अब कल को मेरा दिल टूटा, मैं भाई सैड सैड कुछ लिख दिया, केकेएल भाई किसके लिख रहे हैं, जिया के लिए लिख रहे हैं, अरे किसके केकिल भाई, कभी लिए लिख ढिंचक रहे हैं, पूजा मत सुन लेना, मैं तो उसके फैंडम में ज्वाइन कर देंगे। पागल हो गए तुम लोग। वैसे एक दिन प्यार अच्छा है यार, कुछ भी बोलो। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है, एक दिन मेरा प्यार फेवरेट है अच्छा है। शानाबन। शानाबन चल बे शाने, बच्चे लोग को बोल दे शानाबन। वैसे केकेएल भैया रात के 2:15 हो रहे, आपको नींद नहीं आ रही है? भाई नींद उसको आती है जो भाई आलसी आप होते रात में हैं, पढ़ाई करवा रहे हो बच्चों से? आलसी होते हैं उनको आता है नींद भाई, हम तो भाई जागते हैं भाई उल्लू.com। केकेएल भाई का ट्वीट अच्छा था, पढ़ाई कर लो थोड़ा। शादी करा रहे भाई, अरे कतई क्या हो रहा है लपड़े भाई, मेरे को बताओ हाँ कहानी बताओ ये यार कोई, मेरे मैंने, को हो क्या रहा है ये। अरे वो ना थोड़ा शेमलेस और बेशरम चल रहा है तो दोनों की शादी करा दी। तुम इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई कर लो थोड़ा। अबे ये क्या है ये, मैं ये क्रिंज लग रहा है भाई मेरे को अब भाई। देखो सॉरी नहीं भाई, आज दोस्तों, दोस्तों आज मैं तुमसे बहुत बेशरम प्यार वाला करता ट्रेंड हूँ। चला भाई, देखो रुक आज जा रुक जा निशान, केकेल मेरे आज को पूरा बोलने बेशरम दे, वाला ट्रेंड मेरे चला को था। बोलने दे ना नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ आज भाई। बेशरम वाला ट्रेंड चला था, कर कोई और चलेगा भाई, ये 7 दिन तलक भाई चलता नहीं है, यार निशान ढूंढ ढूंढ छोड़ कर। मेरी बात, उससे मैं क्या मतलब करवाऊंगा है करके, भाई क्या केकेल, मिलना है सॉरी बता मेरे ब्रो, को, एक बात बता करके। मेरे को मजा भाई आ रहा तेरे को है, मजा आ रहा है बट तेरे को क्या अच्छा लग प्रिंज रहा है मेरे को, भेजना है? सुकून नहीं मिल यार रहा है। निशांत, मैं इस चीज में तेरे को सपोर्ट नहीं करता भाई, सही है मत बात। कर भाई केकेएल, मैंने तुमको नहीं ये क्या सही बोला, नहीं है मेरे भाई, को भाई जो लोग मेरे सपोर्ट में है वो लोग है भाई, जो लोग ना, आई एम द क्योंकि भाई देखो ओनली वन जिसने भी केकेएल तेरे को भाई, इंडा सीधा बोलता बोलता हूँ हूँ निशान। निशान। अच्छा केकेएल भाई, मेरे को एक बात बताओ ठीक है, मेरे को एक ही बात बताना केकेएल भाई,
बताना। दो चार पांच छः सात लोग मिलके एक फैंडम बनाते हैं, नहीं नहीं, फैंडम ठीक है, तुमने एक ट्रेंड चला दिया जस्ट बिकॉज पांच छः सात आठ लोगों ने गालियाँ, उतने थे भी नहीं वैसे तो, और जो लोग थे उनके अगेंस्ट हम ही लोग थे जिन्होंने भाई उनको ही सुनाया कि तुमने ये गलत करा, स्टिल तुमने वो ट्रेंड चलाया, तुम वो ट्रेंड चला के ट्वीट भी कर रहे हो कि यू डोंट मेस विथ मी, और उसमें तुमने अपने पापा को ब्लॉक भी कर रखा है, तो तुमको लगता है मैं तुमको भाई छोड़ निशांत, मेरा दूंगा? कहने का मतलब है, नहीं सुन भाई, मेरी बात, जिसका लफड़ा है ना उसको हाँ पेलो भाई, उसमें एग्जैक्टली भाई, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब ये जो ट्रेंड करवाया, ये एक बंदे ने करवाया या उसमें पूरा मनीषा फैंडम था, मनीषा स्क्वाड था? मैंने पूरा प्रॉपर स्पेस देखी भाई, टाइटल और उसके नीचे हैशटैग मनीषा स्क्वाड प्रॉपर पढ़ा मैंने, तभी मेरी गांड खिलसी कि भाई चार बंदों के वजह से, जिनको हम खुद बोल रहे हैं कि भाई तुम मनीषा को गालियां मत दो, उस लड़की ने कुछ नहीं करा, फिर तुमने उस पर हम ट्रेंड तुम्हारे करवाया और तुम सपोर्ट में बोल रहे हो खड़े हैं, शेमलेस। तुम हमको क्या क्या बोल रहे हो भाई, लिटरली हम तुम्हारे मैं तो सपोर्ट में खड़े हैं, हम पलटी, तुम्हारे सपोर्ट के लिए आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को दे रहे बत्ती सुना रहे हैं, और तुम ये चला रहे हो भाई। भाई 2 दिन से पहले जा रहा हूं मैं, 2 दिन से, कल भी मैंने पेला, आज भी मैंने पूरे दिन एनी ये को जो पेला। आज कर रहे हैं ना निशांत, मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, मनीषा जी कर रहे हैं ना, कल अभी 15 शुरू होगा, 15 के 10 दिन बाद देखना, फिर ये फिर कुछ और, चाहे UK 07 के फैन बन जाए, चाहे इसके बन जाए, उसके बन जाए, ये बन के घूमेंगे यूके फिर। जीरो सेवन आ, अरे मुझे बताओ ना, UK 07 आ रहा है? मेरे को तो खबर मिली, अब नहीं पता भाई, मेरे को कंफर्म अरे नहीं है, बट बोला तो गया, अरमान का, अरमान मलिक का आ रहा है शायद, कंफर्म है हाँ, वो तो। अरमान मलिक और पायल मलिक, वो दोनों तो आ रहे हैं। वही बात है, बिग बॉस वालों की इसलिए बात आज मैं ना वैसी ही नहीं स्पेस है, को मुझे रिकॉर्ड लगा कर रहा था। हूँ कि बहरे लोग ना सुन ले कि हम क्या बात किए, भाई अभी स्क्रीनशॉट मार गए हैं निशान और केकेल, फिर बात कर रहे हैं ऐसी टेढ़ी टेढ़ी। अबे अब निशान तो क्या हुआ था भाई, लेवल कर दिया, रेशियो कर दूंगा फिर से भाई रिप्लाई देके, ठीक है लेवल कर, मैं सोच रहा हूँ लेवल क्या होता है। लेवल कर। हाँ भाई आलिया जी आए, आलिया जी बताओ। अरे ये वही आलिया है क्या जो गालियां बकरी थी? नहीं ये वो नहीं, नहीं है नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, नहीं। अरे वो एक रिकॉर्डिंग नहीं वायरल हुई जो कौन मनीषा वाले सी, 3 4 लड़कियां, वो आलिया करके एक थी अलीशा थी उसकी? दीदी, वो अलीशा अरे दीदी, वो भैया अलीशा थी, अच्छा अलीशा। ठीक है, तूने मेरा जेंडर चेंज कर दिया, बट ठीक है सॉरी कोई बात यार, नहीं। जल्दी जल्दी, अलीशा था वो, अलीशा। क्या यार, अच्छा समझो ना, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। ओके ओके। हाँ भाई और बताओ, अनमोल अरे अनमोल आया है मेरा भाई, अनमोल को माइक देना यार, क्या भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार। अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, राइस ऑफ हिप हॉप स्लैश रैपिंग इन इंडिया, आओ आपको पूरा इतिहास क्या बताऊं बात है, तुम मतलब मेरा प्रमोशन ऐसे ही कर रहे हो फ्री में? भाई। भाई लोग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती यार तुमको, भाई तुम बोलो ट्वीट डाल देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अभी मत डालना भाई, फ्री बोल में भी दूंगा बोल मैं देंगे तुमको हम अगर कि डालने भाई की लोग का जरूरत गाना है पड़ी। सुन लो करके, अपन कर देते हैं यार। यार मेरे को एक बात बताओ, के गाना कब बना रहे हो भाई तुम? देख मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा मेंटली थोड़ा सा बहुत ज्यादा सैड हूँ भाई, किसी चीज को लेके तेरे को पता है, तो अभी मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, बट करूंगा करूंगा भाई इसी टाइम पे सबसे ज्यादा दिल की फीलिंग्स बाहर निकलती, भाई। मजाक नहीं मेरा के किया। मानना है मैं इस चीज से जितने जल्दी निकलूं मेरे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे को अपने काम में फोकस करना है भाई। भाई तुम्हारे दिल में कितना भी दर्द हो, तुमको कैमरा के सामने हंसता हुआ चेहरा लेके बैठना है, तुम्हारे भले गले से आवाज ना निकले बट तुमको कैमरा के सामने, अभी ऐसा बोल रहे हो बट कैमरा के सामने, तो गाइस आज हम लोग ये करने वाले हैं, बढ़िया ऐसे खुश नोट के साथ बोलना है, तो वही है। वीपी भाई आए नीचे, वीपी भाई वीपी को भाई तो ज्ञानी माइक दे बाबा रहे। बन गए भाई, लाइफ लेसन देते हैं लोगों को, आओ बच्चों आज की लाइफ लेसन वीपी भाई के मुंह से सुनेंगे। वीपी भाई ने कल रात को स्पेस बनाई, ठीक है, कल रात को, हाँ मेरी रात, उनकी सुबह, अर्ली काली मॉर्निंग। काली आंखों से उसने तो मुझे घायल किया। हाँ भाई निशा वीपी भाई बोलते, यार देखो हर एक का एक पीओवी होता है ना, तो मनीषा वालों ने जो किया वो उनका पीओवी था ना। मैं बोला यार वीपी भाई, यार रात को होगा ट्रेंड, अभी नहीं, चिल मारो। वीपी भाई क्या डिप्लोमेटिक, क्या 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 ज्ञान दे रहे हो? वीपी भाई निशांत क्या कह रहा है,
निशांत का छोड़ो, तुम अपनी बात करो। क्यों छोड़े निशांत भाई अपनी? अच्छा वीपी भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ ये बताओ क्या पहले, आज सुबह सुबह तुम्हारी स्पेस बनी थी वहां पे, तुम बता नहीं रहे मैं तो थे कि सोया ही नहीं था, यार मैं हर तो एक भाई सोया लोग ही ही होता मार है। रहा था। सुबह ये किसके टाइम के हिसाब से ये बता। अरे वीपी भाई के अभी टाइम मैं पे, बैठा इंडिया के हुआ टाइम था के फिर हिसाब मेरे से। को नींद नहीं आ रही थी, तुम ऐसी स्पेस बनाए तो मेरे अपने पुराने फैंडम के लोग बैठे हुए थे मौज मस्ती कर रहे थे। धीरे धीरे एक आया, दो आया, तीन आए, वीपी चार, भाई मौज मस्ती तो वो करके चले गई मेरे साथ यार। कॉन्वर्सेशन कौन भाई, किसने क्या, किसने धोखा दिया तुम्हें? काली काली आंखों से उसने मुझे घायल किया था, आंखों के सुरमे से उसने मेरी जान ली थी, कौन, उसकी तुम्हारे बातों साथ से ऐसा कौन हम कर रहा है सोचते भाई? थे कि क्या मधुर सी वाणी निकल रही है। यार वीपी भाई, मैंने इनको पहले ही बोला था केकेएल को कि यार ट्विटर पे लड़की मत पटाना, ये मानते नहीं है। देखो केकेएल भैया ट्विटर का में तो दिल सब टूटा भैया ऐसे, बोलते हैं मेरे को, कैसे भाई ट्विटर की लड़की केकेएल पटाना। अरे भैया, हाँ यार, ये तो ये क्या केकेएल प्रॉब्लम भैया है लड़कियों की ट्विटर की, सबको रुको ना भैया यार, बना देते। आहा, केकेएल भैया का दिल कुछ इस तरह से टूटा, देखो आइया दर्द हो गया मैं बताओ। देखो तुम लोग को इसीलिए कहता हूँ, ये सब प्यार व्यार में मत पड़ो, पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस वाईएस बनो। तुम लोग ये क्या ये भाई सब एक कर बात रहे बताओ, हो? ये पांडा गैंग वाले मेरे भाई लोग, बताओ निश्चय भाई हमारी स्ट्रीम पे आए थे यूट्यूब पे। तुम लोग नहीं देखते हो पता है मेरे को, मेरे स्ट्रीम को फुकरा भाई, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, निश्चय भाई सब देखते हैं, और निश्चय भाई आए थे स्ट्रीम पे। उनका जो रिएक्शन दिया उन्होंने वीडियो का, उसको था तुम लोग को डालना था ना काट के। हाँ ये सब लोग ऐसे ही हैं, ये कुछ करते नहीं है। भाई, उससे तुमको ही रीच मिलती ये पता नहीं क्यों ऐसे करते हो तुम्हारे साथ। यार। मेरे को एक बात बताओ, चलो केकेएल भाई वीपी भाई बैठे तो थोड़ा मजा भी आएगा ये बात करने के लिए। जो बात जो अभी चल रहा है प्रॉब्लम अमिड इजराइल एंड पैलेस्टाइन, उसके बारे में बात करते कि क्या सीन है, मेरे को थोड़ा समझाओ, क्योंकि मेरे को मेरे को सच्ची भी में आइडिया समझ नहीं नहीं है, आया। बस बहुत इतना पता है कि पैलेस्टाइन इजराइल समय से बड़े इनका देर से लफड़ा है, मेरे बड़े को टाइम इतना से पता लड़ाई है। चल रही जैसे है। अभी रशिया और उसका है हाँ ना, क्या बोलते हैं यूक्रेन, यूक्रेन को, वैसे ही यूक्रेन टाइप का ही लफड़ा है उनका भाई, आइडिया नहीं है। बट मेरे को सुबह सुबह न्यूज़ सुनने को मिला कि वो स्टेट ऑफ वॉर में आ गई है इसराइल, ऐसा सुनने करेक्ट को मिला। करेक्ट करेक्ट हाँ, वो पैलेस्टिनियंस ने अटैक कर हाँ दिया इसराइल पे, हम ऐसा कुछ सुनने में आया। इसराइल के अलाइज कौन कौन है, मतलब उसके साथी कौन कौन है दोस्त? हाफ ऑफ द वर्ल्ड इसराइल को सपोर्ट कर रहा है एक्सेप्ट मुस्लिम, मतलब इस्लाम कंट्रीज। नहीं मतलब ऐसा इसराइल में भी तो क्या है, मुस्लिम मुस्लिम है ना शायद, वहां भी यहूदी है वहां पे, इसराइल में जोइश है। यहूदी है ना? हाँ वही अरे तूने फौदा यहूदी। देखी है क्या? फौदा? फौदा क्या? देखी है तूने सीरीज? नहीं, नहीं यार ये तो मैंने भी नहीं ठीक है, देखी। इट्स अ वेरी गुड सीरीज, इसका रीमेक भी बन चुका है इंडिया में, ठीक है। सो द होल फाइट इज अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, एंड जूश एंड सो इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। एंड उन लोग, क्या हो गया, सॉरी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा तो नहीं नहीं उन बोलो लोग की बोलो। आपस की लड़ाई है बहुत गंदी, ठीक है, और ये आज से नहीं सदियों से चल रही है बहुत ज्यादा। तो इनफैक्ट जो वहां पे जाते थे लोग पूजा वूजा करने, तो वहां पे भी इन लोग की लड़ाइयां हैं। तो उनका कहना है कि वहां पे हमारे हैं, वो कहते हैं वहां हमारे हैं, ये कुछ कहते हैं कि वो लैंड मेरा है, वो मेरा लैंड है। तो इन लोग ने क्या करा, दे केम टू अ कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू सो एंड सो, तो ये डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इंसान तो इंसान है, इंसान सुनता कहाँ है, मानता कहाँ है ये सारी चीजें। तो आपस में इन लोग की लड़ाई चले जा रही है, चले जा रही है। अब मुझे पता नहीं, आज रिसेंटली मैंने अभी जब ट्विटर खोला था, मैं सोया नहीं था आज पूरा दिन भर, मैं रात में सो गया था कुछ 8 से 9:30, तब मैंने फिर जब उसके बाद में उठा कि 11-11 बजे मैंने ट्विटर खोल के देखा, तब मैंने देखा कुछ तो दिस देयर वाज सम अटैक दैट हैपेंड। तो तब मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये लोग इजरायली, इसका इन लोग का फिर चालू हो गया, खत्म ही नहीं हुआ था एक्चुअली, फिर क्या चालू हो गया, बस ये है कि अटैक थोड़ा बड़ा वाला हो गया, ऐसा कुछ हो गया। वीपी भाई, इस बार इसराइल को भी अटैक हुआ ना? इसराइल ने पहले नहीं किया था नहीं ना? अरे नहीं, इसराइल के, इसराइल ने कभी किया ही यार वो लोग का, तो ठीक है यार, वो तो द होल वर्ल्ड विल स्टैंड विद इसराइल नो मैटर व्हाट, भारत इज वही तो स्टैंडिंग। है अभी।
पढ़ा तो बहुत होने कभी वाला है, स्टॉक मार्केट मैं भाई शायद बहुत कल गंदा अभी अभी गिरने वो वाला आ है अभी। जाएगा वीडियो, उसमें सब पता चल जाएगा और गेट सेट फ्लाई वाला भी बता देगा। मेरे को अभी न्यूज मिली थोड़ी देर पहले कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है इसराइल का, एक जो मेन सिटी है ना, वाहा या माहा करके कोई सिटी है, वो पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। और कभी भी मतलब बिग अटैक जैसे रॉकेट्स वॉकेट्स छोड़ते ना, वो होने वाला है, ये सब मिसाइल्स। जमीन के लिए हो रही है ना लड़ाई, हक के लिए, जमीन के हक के लिए। अरे यार हाँ, हर एक लड़ाई हाँ, जमीन के इट्स लिए अ ही होती है लड़ाई जमीन के लिए है। सो आई टोल्ड यू राइट, इट्स अ कम्युनिटी विद भाई। इन पर दैट मैंने पर्टिकुलर पढ़ा था कि कम्युनिटीज है। इसराइल के पास भाई न्यूक्लियर बॉम है, अरे वही तो बोला, इसराइल को भी अटैक किया ना, इसराइल छोड़ेगा नहीं, वो इसके बाद बहुत कुछ है इसराइल के डाल देगा पास भाई वो सीधा भाई भाई। भाई इंडिया अगर फुली और सपोर्ट वो करेगा ना पूरे केकेल भाई, और स्टॉक स्टॉक मार्केट इंडिया का गिर जाएगा भाई पूरा, अगर फुली सपोर्ट कर रहा है इंडिया। मेरा तो ये मानना है कि भाई ये हमारे मतलब जो भी है वर्ल्ड के लिए भी सही नहीं है भाई। इतनी मतलब फाइट वाइट होगी, वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेंगे, जो भी होगा जो भी है भाई, अभी बढ़ेगा अभी हमारे लिए। लास्ट ईयर तो रशिया यूक्रेन का स्टार्ट हुआ था, अभी भी उनका सॉल्व नहीं हुआ अच्छे से, अभी और एक स्टार्ट हो मेरे गया। को ऐसा लगता है कि रशिया उसको जानबूझ के खींच रहा है, क्योंकि रशिया कभी भी खत्म कर सकता है भाई उसको, वॉर को। अभी ऐसा हो गया है ना, सबके पास मिसाइल न्यूक्लियर बम आ गए हैं, ठीक है। अभी इट्स पहले क्या ऑल अबाउट राइट रशिया के फॉर पास था? लेफ्टर्स। हाँ मैं झुकूंगा नहीं, सिंपल सी बात है, उन लोग की वही है। और यूएसए का सबसे बड़ा राइवरी कौन है निशांत? यूएस किस चीज का? का यूएस का सबसे बड़ा राइवल रशिया ही है? रशिया है कि नहीं चाइना है? चाइना है ना इस नहीं वक्त? नहीं नहीं, रशिया ही है। नॉर्थ चाइना के साथ तो फिर भी नॉर्थ रिलेशंस कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया भी कोरिया, है। हाँ नॉर्थ कोरिया है। एक समय बट ये टाइम पे ना अगर तुम देखोगे तो नॉर्थ कोरिया से लड़ने के लिए यूएस बड़ी शानी है, चाइना के साथ हाथ मिला रही है, तो चाइना और यूएस का बड़ा अच्छा चल रहा बट है ये नॉर्थ टाइम पे, कोरिया और चाइना का तो टाई अप है ना पहले से ही, दोस्ती यारी तो इसीलिए तो अगेंस्ट करना चाहते हैं। शानी है, पर यूएस बहुत ज्यादा शानी है भाई। हाँ, ऑफिशियली वो लोग कभी नहीं बोलेंगे जो तू कह रहे ना टाइप है। ऑफिशियली थोड़ी ऑफिशियली करेंगे जीवन यार में बीपी कोई भाई, कोई भी नॉर्थ कोरिया का टाइप नहीं लेकिन बोलेगा, ये मैं तुम्हें अभी रिटर्न में बताते रहा हूँ, ठीक लेकिन वही बात है कि भाई चाइना बड़ी हरामी कंट्री है, ठीक है, और ये फैक्ट है, सबको ये तो पता है। है। नॉर्थ कोरिया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया थोड़ी अनाड़ी है। उसका जो लीडर है उसको खाली एक चीज पता है कि अटैक अटैक अटैक। वो स्ट्रेटेजिकली नहीं खेलता, चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली खेलती है भाई। ये सब टॉपिक और में जो यूएस नीचे बैठे हैं वो इंटरेस्ट लेते होंगे, तुम लोग इंटरेस्ट लेते हो गाइस ये सब टॉपिक्स में बात करना या नहीं देखना? भाई, इनको बिग बॉस देखना होता है बस, बिग नहीं, बॉस मैं की लड़ाई मजाक में हट के देखते। पूछ रहा हूँ, तुमने ये ट्विटर नाम पे लिया, कौन लड़ देखो रहा है? कंट्रोवर्सी करी नहीं, तुमने अभी ये नाम लिया, देखो 50-100 लोग गायब हो गए अपने आप ही। कंट्रोवर्सी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दोगे अब, पैसे देखो भी हजार सुनेंगे, मेरे को फर्क लोग आ नहीं पड़ता, जाएंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता पाजी। मेरे को 50 लोग सुने, 60 लोग सुने, 20 लोग सुने, ठीक है भाई, सुनना सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। यहाँ पे पता है केकेल भाई क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे आते हैं ट्विटर पे भाई, स्टार्टिंग में आते हैं कि अपने आइडल को सपोर्ट करने में, ठीक है। उसके बाद ये लोग के ट्विटर के अंदर पूरा घुस जाते हैं, ठीक है, पूरा अपना टाइम पढ़ाई से निकल के सब कुछ निकाल के ट्विटर पे दे देते हैं, फिर ट्विटर इनका इमोशन बन जाता है, ट्विटर पे कुछ झगड़ा होता है ये अपने दिल पे लेके भाई बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। मत करो ये सब भाई, बकचोदी करने आओ बकचोदी करके निकल जाओ भाई, ये सब चीज मत करो। बटाटा वड़ा आई है यार माई की अबे तो मेरी यार एक बहन बात को। बताओ, तुम किसके लिए रो रहे हो, तुम किसके लिए ये सब कर रहे हो, हैं? अभी वही देखो, कोई मुझे बोल रहा था ना ज्ञान देते, मैंने कहा तुम किसके लिए कर रहे हो, मैंने कहा एक बात बताओ, कल का तुम्हारी किसी की भाई माँ बाप है फैमिली वाले कोई कुछ करेगा, तुम उनके लिए बैठो, उनके साथ थोड़ी देर ज्ञान दो, तुम यहाँ पे बैठ के यही सब कर रहे हो। अरे हमारे इसको ये बोल दिया, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, अरे अपना ध्यान दे भाई, उन लोग को किसी को अपनी सब जीवन में खुश हैं बेचारे, उन लोग अपना ध्यान कर रहे, तुम लोग बैठ गए यहाँ पे, नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, कब तक? कौन जीवन में विपी खुश है? भैया, विपी नहीं, भैया अरे अभी रुक यार जोई, यार कौन जीवन में खुश है? भाई केकेएल है, ठीक है, आज उसके अरे जीवन में आ गया नहीं, मैं केकेएल की बात ही नहीं कर रहा यार, है तुम किसी किसी और की बात चल रही थी ना, कौन जीवन भैया में विपी खुश है? भैया मेरे जीवन में भी एल लगे हुए हैं बहुत जोर से भैया, बहुत जोर से।
खुशी मैं अपने पर्सनल लाइफ में ना बहुत उदास चल रहा हूँ भैया, बहुत समय से। ऐसा क्यों? जब तक तुम अपने अंदर की खुशी नहीं ढूंढोगे तुमको फिर कैसे होगा? है तुम्हें अंदर की खुशी तो ढूंढनी पड़ेगी। बाबा बाबा तुम कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मेरे को हिंदुस्तानी बहू की याद आ गई। मैं ज्ञानी बाबा के साथ आज चल रहा हूँ मैं। नीतू भैया ठीक है, बोलो ना, आपका ठीक है ज्यादा फेमस है वैसे, आपको पता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखो ठीक है भाई बटाटा बड़ा भाई बताओ भाई, पहली बार आपसे मिल रहा हूँ स्पेस में। हाँ मरिया जी आप हाथ खोल के रखी हैं आप पहले। है के भैया ये मरिया जी बहुत देर से हाथ ऊपर रखी हैं, बोलिए मरिया जी। मरियम मरियम जी सॉरी भाई, मैं कहूँ क्या बोल रहा है ये भाई। भैया लास्ट का एम नहीं दिखा मेरे को भैया, वो डॉट 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 आ गया है। बोलो नहीं बोलना ठीक है बटाटा जी आप बोलो। शर्मा गई तो। हाय कांशरी। कौन है आकांक्षा? बटाटा बड़ा। मैं बटाटा भाई तुम कितने साल के हो बटाटा बड़ा? आपकी जितनी तो मेरे को भैया क्यों बोलते हो? सारे बच्चे बोले तो समझ भी आता है ठीक है, बट हमारे हम उम्र ही भैया बोलने लग जाते भाई जगत भैया बना दो हमको। नहीं मैं निशान भैया को भी भैया बोलती हूँ ना, तो आप उनके फ्रेंड, तो आपको भी भैया, तो मेरे को भी भैया बोल के बटाटा बड़ा। चुबे तू तो बच्चा है बे। वही तो बच्चों को भैया भी चुबने लगा हूँ। अच्छा बच्चा हूँ मैं, चुबने लगा हूँ कि अब सबका भैया ही बन रहा हूँ भाई। 25 साल को होने के बाद बच्चा है तो फिर सही है फिर। इतना चुबने लगा हूँ कैसे हो भाई? क्या कर रही हो तुम आजकल भाई? बटाटा बड़ा क्या चल रहा लाइफ में बताओ। कुछ नहीं भैया, हम कॉर्पोरेट की दुनिया में खुश रहते हैं भाई। ये सेटल है भाई केकेएल, ये सेटल है भाई लाइफ में। इसके आते 4.5 लाख महीने के, इसके आते 4.5 लाख महीने के, ये खुश है भाई। आप कहाँ रहती हो बटाटा जी? अच्छा सुनो ना, डीएम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना। छोड़ छोड़े भैया छोड़ कुछ ना है ये इसमें। देखो मेरे को ये लोग आपको अन्ना बना रहे हैं, ये लोग आपको एवी अन्ना बना रहे हैं, कुछ नहीं है। मेरे को रोटी पकाने भी आता, घर के सारे काम कर लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ, सब कुछ आता है मेरे को भाई। अच्छा अच्छा भैया कपड़े धोने के लिए तो वॉशिंग मशीन होती है। अरे ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गया तो अच्छा। हाँ झाड़ू पोछा सब आता है मेरे को। और हाँ अभी थोड़ा मोटा हो गया हूँ, बट अगले 2 महीनों में एकदम फिट हो जाऊंगा मैं, सिक्स पैक आ जाएंगे। और अच्छा लड़का हूँ, डीपी देख लो, थोड़ा बहुत स्मार्ट दिख जाता हूँ। और निशान तो आपका दोस्ती है भाई है, तो वो मेरी तारीफ आप मेरे बारे में बता ही देगा आपको। निशान कुछ नहीं करते नहीं भाई, मैं देखो मैंने लास्ट टाइम कोई और इस पे लाइन मार रहा था तो मैंने उसको मना करा था क्योंकि वो बंदा मेरे को सही नहीं लगा। अब केकेएल के बारे में मैं क्या ही बोलूं यार, केकेएल बढ़िया है, बाकी तुम देख लो। अरे केकेएल भैया एक दो पिकअप लाइन भी तो मारो ना भाई, उसके लिए आदमी का शक्ल तो दिखे। अच्छा, ये बोतल वाली डीपी में मैं क्या पिकअप लाइन मारूं? अरे भैया कोई अच्छी सी ऐसी मार दो ना, नाम सुन के मार दो, नाम पे मार दो। हां कांशा पे मार दो, ऐसे मत करो यार। ये तुम्हारी आवाज है या शहद भाई, कितनी मीठी है यार। अरे यार मेरे को ये शहद से ना, ये शहद से ना मेरे को रफ्तार याद आ गया भाई। रफ्तार इंटरव्यू में जाते हैं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, अरे सुनो तो यार। रफ्तार एक इंटरव्यू में जाता है और किसी से पूछता है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इंडिया में सबसे बढ़िया शहद किसने निकाला है? तो वो बंदा बोलता है मेरे को नहीं पता, बोलता है लिल गोलू ने। अच्छा समझ गए, ठीक है समझ गया। मैं ना लिल गोलू को कभी रोते हुए नहीं देखा सोशल मीडिया में, भाई लिल गोलू बढ़िया नहीं है कि भाई मैंने इसके लिए इतने गाने लिखे, मैंने इसके लिए ये वो लिखा। बस मैंने रफ्तार और बादशाह को ही रोते हुए देखा है, रफ्तार भाई को सबसे ज्यादा। भाई बादशाह भी ठीक था यार, ये रफ्तार ही बहुत ज्यादा करता था उसके, वो चढ़ाया करके बादशाह चढ़ गया। कहते हैं ना रफ्तार, क्या नाम रखा है इनका, गिरफ्तार नहीं राखी बोलता था, क्या बोलता ऐसी कुछ हिप हॉप की राखी। ये तो ट्रेलर है पिक्चर अभी भाई, वो कौन है भाई हिप हॉप की राखी भाई? एक ठो डिस आया था उसमें जो रफ्तार का जो आवाज निकाला था ना एमए वन टाइम,
कलोनी फाड़ तू बनेगा पावरा, ऐसा करके कुछ बरात वर्ष था ना उसका निशान। अरे यार निशांत भैया आपने क्या किया, आपने बीच में भांजी मार दी, अच्छी खासी भाभी मिल रही है। निशांत हरामी, टॉपिक बदलता है। हाँ, जल्दी वहां से हटो भाई, 2 मिनट यार, ऐसे मत करो यार, मेरा बड़ा भाई ऐसे मत करो यार, वो मेरा भी दोस्त है यार। देखो आकांक्षा जी, 4-5 लाख रुपए क्या करती हूँ, मतलब क्या खर्चा क्या है आपका दिन का? आपको ने लोग ने अन्ना बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। है भाई, 1 लाख भी छापती हो बहुत है भाई मेरे, हमारे लिए। निशांत भाई क्या टर्नओवर है इनका? भाई महीने का 3.5 से 4 लाख रुपया आता है, यूएस की कंपनी के लिए काम करती है। ये क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है भैया, मेरे बड़े भाई है, निशांत मेरा दोस्त है, तो आप इनके निगरानी में भाई बताओ थोड़ा क्या सीन है यहाँ, जितने भी प्यारे अरे विप्रो में काम करती है बंदी, नहीं पैसे कमाती है, मुझे भी नहीं पता था ये बात, तो कि मैं विप्रो में काम करती हूँ, कुछ भी बोलता है भाई। मैं बोल रहा हूँ अमेरिकन कंपनी यार निशांत, आज मैं ना विप्रो कभी फाइनेंशियल एनालिस्ट को इतना साल सीटीसी नहीं देता यार। बीपी भैया सुनो ना, निशांत सुनो ना, आज मैंने ड्राइव करते हुए ना मेरे दिमाग में सडनली एक चीज आया, अगला महीना कौन सा है? अगला महीना अक्टूबर नवंबर है, नॉट नवंबर। नहीं, नहीं, अबे चोमू पड़ेगा तेरे को चेती में। सुनो मेरे दिमाग में तो नवंबर भाई, वही अगला भाई, नहीं मुझे नो शेफ भी आता है। और एक चीज, एक तेरे को कोइंसिडेंट बताऊं निशांत, मेरी आज तक जितनी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, 4 ही रही है अभी तक, तो उन सबके बर्थडे जो आते हैं नवंबर में ही आते हैं सबके। मैं बोला भाई भाई मतलब तुम अभी नवंबर वाली लड़की से दूर रहो, बेसिकली तुमको यूनिवर्स ये बताना चाहता है कि तुम्हारा कटेगा। तो भाई जब बटाटा जी आपका वो बर्थडे कब आता है वैसे? नवंबर। अंडी वंडी संडी जो झूठ बोला। अब बताओ कब आता है? मार्च में तो मैं अभी बॉर्न हूँ। परफेक्ट, अरे परफेक्ट परफेक्ट, बधाई हो बधाई हो भाई। क्या 1 to 20 के बीच में? हाँ जी। ओ मैं भी। गाइस देखो अब जल्दी जल्दी हैशटैग्स बनाना शुरू करो। 1 to 10 के बीच में। अरे रुको रुको, 1 to 15 भी मैच कर लो। अरे रुको, अरे 1 to 15 के बीच में नहीं। अच्छा तो 15 से 20 के बीच में भाई। निशांत लेट मी गेस, 16th मार्च नहीं। अच्छा 18 मार्च गला, सारे 5 नंबर ले ले, ऐसे तो सारे नंबर बोल दो। मैं तो बोलती 25 मार्च बोल रहा। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा बॉर्न देख लो भाई, ट्विटर पे दिख जाएगा बॉर्न मार्च 10। तुम्हारा क्या मैं क्या देख लो? अरे निशांत भैया, पर मैंने सुना कि वो सेम मंथ वाले कभी ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ है यार बीवी भाई? ये गलत बात मत बोलो, लोगों को मोटिवेट करते हो अपनी ट्वीट में, इधर क्या बोल बीपी भैया? अरे नहीं नहीं बीपी भैया, नाम सेम नाम के अक्षर वालों का नहीं होता है, वैसे नाम दोनों का सेम ही अक्षर वाला है, तो अब बीवी निशन भाई नाम बदल दूंगा। आपने जो डेट बोला -1 कर दो, घर में मेरे को कोई और नाम से बुलाते हैं भाई मेरे घर वाले। 17 मार्च भाई, ऐसा मत बोलो यार, ये अच्छा है यार। नहीं नहीं सेम अक्षर वालों का तो नहीं, नहीं मेरे डैड और तेरे मॉम का नाम तो सेम था यार। हाँ वही ना, नहीं जमती, ऐसे चालू होता था, नहीं जमती। नहीं सही बात है, सही बात है, सेम अक्षर वालों का नहीं जमता। एक मिनट क्या मतलब सही बात है भाई? मेरे माँ बाप अच्छे चले भाई, हम दो पैदा भी किए, हम दोनों को मतलब मेरा और मेरे भाई को पैदा भी किया भाई, सब सही चलता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो किया है भाई, मैं 26 का, मेरा भाई 30 का है, हम सही है भाई। यार भाई भाई आप ले लो भाई, मैं अपने पूरियां तल रहा हूँ, तू यहाँ पे क्या डाल रहा है? भजिया डाल रहा गरम तेल में भाई, शांत। बटाटा जी हाँ जी, और बताओ क्या क्या तुम्हारे वड़े का मैं बटाटा बन सकता हूँ के लिए? मुंह बंद करना। बटाटा जी क्या सब्जी खाए? क्या सब्जी खाए बटाटा जी? हाँ जी, क्या सब्जी खाए खाना में? हम लोगों ने चीज़ ग्रिल सैंडविच खाए।
साला हम ही है जो रोटी खाते है, रोटी चावल दाल खाते है। रात को रोटी कौन खाता है? हम खाते हैं भाई रात को रोटी। यार ये इतना क्रिंज कौन करता है 26 साल में? मेरे बाबू ने थाना खाया कि नहीं खाया, क्या खाया क्या नहीं खाया। यार बीबी बाबू था, बाबू कहाँ बोला नहीं हो पाएगा, खाना खाया पूछना अच्छी बात है ना। नहीं वो तो ठीक है, मैंने भी पूछा है ये सब चीजें, लेकिन कि ये नहीं पूछ सकते ना कि भाई क्या उसमें क्या है क्या नहीं, खाने में क्या खाया ये नहीं। मैं खा पूछ लिया, खाना खा लिया ना, ठीक है बस। यार यार ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है यार, पूछने वाले पूछते हैं। निशांत से पूछ लेता हूं, निशांत भाई खाना खाया क्या? पूछते हैं भाई और क्या खाया आज बैठकर। भाई मैं तो सब, मैं तो सारी लड़कियों को पूछता हूं, और बताओ भाई। निशांत भाई सबसे पूछना, बट एक से नहीं पूछना तू। अच्छा तू भाई है, छोड़। मैंने मैंने सुना कि क्रोसान खा रहे हो तुम बैठ के, ये क्या होता है? हां भाई क्रोसान तो मेरा मेरा एवरीडे मॉर्निंग का नाश्ता ही क्रोसान से होता है भाई, तो मैं क्या करूं। तुम बेगल खाया करो, कहां क्रोसान वसों में यार जी रे। यार बेगल से भाई पेट निकलता है भाई, ऑलरेडी मेरा पेट निकलना चालू हो गया, मेरे को नहीं खाना बेगल, मैंने खा चुका हूँ भाई। किसके साथ जा रहा है? हाँ अकेला। मेरे लिए बेल ले। लो हो गया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चालू हो गया, बेगल। अरे नहीं वो मेरा कजन है ना, वो लोग ढाबा जा रहे। अच्छा तेरी आवाज आ गई, मुझे लगा ना शांत की थी, ब्रेकफास्ट करने जा रहा था ना, तो वो मैं घर पे, मैंने आज सुबह सुबह खाया, मैं मेरा फेवरेट है ब्रेकफास्ट। मैंने बनाई, मतलब मैंने तो नहीं, मेरी बहन ने बनाई चाय, बटाटा चना मैंने खाया चाय। भाई किसी ने तुम्हारे लिए मैसेज डाला है केकेएल भाई, केकेएल से कहो स्पेस का नेम चेंज करके ये किया पढ़ रहे ये बच्चों को स्टार मैचिंग। भाई जो भी था ये, जिसने भी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या। पढ़ाई कर लो थोड़ा, इसलिए बोलता हूँ मैं, ढंग से लिख नहीं रहे हो भाई। बटादर जी कहाँ चले गए? निशान बैठे भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ जी क्या 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 करती हो आप वैसे? मैं मतलब छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ मैं। मैं कॉर्पोरेट स्लेव हूँ। कॉर्पोरेट स्लेव भाई, हमको अपना स्लेव बना लो। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? ए भाई यहाँ पे ना भाई मस्ती मजाक चल रहा है, रिकॉर्ड करके ये देखो केके लड़कियों से कैसे बात करता है। बोल रही थी कल रिकॉर्डिंग आएगी। ये वो फिर उसमें कमेंट आएगा कि रिकॉर्डिंग तो ठीक से, एडिटिंग तो ठीक से करो भाई। वो नहीं होता था यार, लेकिन यार केकेएल लेकिन ये लड़की खूबसूरत है ठीक है, बट ये 6'2" भाई। सब लड़कियां खूबसूरत होती हैं भाई, 6'2" की है पूरा, सुन लो 6 फीट से ज्यादा का भाई। कितने होते क्या बोल रहे केकेएल भाई? एक क्यूटिंसन को माइक दे दो, कुछ बोल रही है आपको डीएम में। 6 फीट का है तू भैया, आ जाओ सामने खड़े हो जाओ भाई। ये 5'7" है भाई, 5'7" मैंने भी तेरे वीडियो देखे, मैंने भी तेरे वीडियो देखे, कहीं से तू 6 फीट का तो नहीं है भैया। सुनो मैंने जूते उते नहीं पहने थे, नंगे पांव था, मैं बता रहा हूँ उस समय आपको छोटा दिखाऊंगा मैं, क्योंकि निश्चय भाई और फुकरा भाई बहुत लंबे हैं, मेरे को पता है कौन सी वीडियो देख के बोल रहे हो। निश्चय और फुकरा बहुत लंबे हैं, मैं उनके निश्चय के बराबर ही आता हूँ मैं। पता नहीं मैंने अरे तूने जिस दिन उस दिन ब्लॉग बोला था ना, तब मैंने तेरा पहला ब्लॉग देखा था कि कैसा बना है। कैमरा में देख के आप हाइट थोड़ी ना बता सकते हो। हाँ वो विच इज ओके, बट एक प्रॉपर अभी मेरे को बोल ले दो। हाँ आप मरियम जी बोलिए। गुड नाइट बोलने के लिए आप बोल रहे थे बस बहन, तो क्या मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम हो गया है। ओके सिस्टर गुड नाइट, स्लीप टाइट, गुड नाइट। या केकेएल भाई वो क्यूट इंसान हो गया, हम आइए दे दिया भाई क्यूट इंसान को, और किसी को आना है आओ भाई। केकेएल भाई जरा ये तो बताओ वो डिस्कॉर्ड वाला कब होगा? अरे यार भाई मैं खुद उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं बोलता हूँ यार मैं एक बार।
मैंने पाजी को बोला था कि भैया भाई भाई डिस्कॉर्ड वाला अगर होगा तो वो स्पेसिफिकली पांडा गैंग के लिए होगा, ठीक है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ उस चीज का मैं ध्यान रखवाऊंगा लोगों को बिठा के, मैं बिठवाऊंगा और मैं सबको देखा हूँ। नहीं मैं मोनेटाइज, मैं उसको पूरा मोनेटाइज करके रखूंगा भाई। मैं स्टेज बनाऊंगा, स्टेज बनवाऊंगा ना मैं बोल के, और नीचे वेटिंग में लोगों को रखेंगे और कुछ कुछ लोगों करके ऊपर भेजेंगे अपन फुकरा भाई के वीसी में जिसमें। हाँ क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ भाई मैं उनको बुलाऊंगा ऊपर। नहीं मैं करूंगा, और मैं ये भी देखूंगा भाई, ये भी देखूंगा कि किसकी आईडी कौन सी है। जो लोगों ने मेरे को गालियां बकी है ना अभिषा वाले स्पेशली, भाई मैं बात कराऊंगा, मैं अभिषा वालों की भी कराऊंगा, अभिया वालों की भी कराऊंगा, सबकी कराऊंगा। नहीं नहीं अभिषा वाले अच्छे हैं भाई, मैं हूँ भाई तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। कुछ लोगों के लिए भाई डोंट वरी, मैं वहाँ पे सुपरविजन में बैठूंगा गंदगी करते हुए और वो मेरे जहन में रहेंगे। बाकी जितने भी प्यारे बच्चे आते हैं, लाइसा, वो अन्नु, कौन बाकी सब बहुत सारे लोगों का नाम, मैंने कुछ सुना अभिषा वाले तुमसे क्या उदास है ऐसा कुछ है? अरे वीपी भैया जोन का आवाज लगा के मेरा पिक मॉर्फ कर दिया और कह रहे कि अभिषेक देखो क्या बोल रहा है कल कल अंडा। मैं भाई मैं बता रहा हूँ मेरी आवाज वो क्या बताऊ वीपी भाई, मैं हंस रहा हूँ भाई खिलखिला के, क्या है भाई। अच्छा इसलिए मेरी पीएल में ऐसा कुछ हुआ, यही होता है भाई, सिर पे बिठाओ कान में मुत्ते। तुमने ये कहावत सुनी नहीं है केकेएल भैया? मैं तुमको बड़े दिनों से यही समझा रहा हूँ।